अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिस्मा शेख और आज हम क्लास फिफ्थ का मॉडल टेस्ट पेपर टू करेंगे आपकी बुक टारगेटिंग मैथ्स में जो है, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है? सो आपका एक स्ट्रेट एंगल है, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। सो इसका मेजर कितना होता है? इसका मेजर होता है 180 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज, मतलब आपका एक रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल्स आपको तो पता ही होगा 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका सम जो है वो क्या होता है रेक्टेंगल के एंगल्स का। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये चारों एंगल कितने होंगे, 90 × 4, इसका मतलब 360 डिग्री। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्ड्स क्या होती हैं। सो जैसे कि आपका ये सर्कल है ना, इसमें ये जो है एक लाइन, एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ये लाइन जा रही है इसको आप कहते हैं कॉर्ड। सो ये पूछ रहे हैं कि आपके सर्कल में सारी कॉर्ड्स क्या इक्वल होती हैं। सो इसका आंसर होगा नॉट इक्वल, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपके आपका जो सर्कल है उसमें सारी कॉर्ड्स इक्वल नहीं होती, कोई यहाँ से ऐसे भी बन सकती है कॉर्ड, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो सारी कॉर्ड्स यहाँ पे आपकी इक्वल नहीं होती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वॉल्यूम, ऑप्शन डी वॉल्यूम। एक ऑब्जेक्ट जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज, आपका एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इसे कहते हैं, देखिए तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो क्यूबॉइड होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो आप कैसे निकालते हैं। तो उसकी वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यह आपका फॉर्मूला होता है फॉर अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सो इसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। सो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगल कैन बी अ राइट एंगल्ड एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोथ। सो आपका राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसका एंगल जो होता है एक 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। सो और आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड नहीं होती, जिसकी बस कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे इस वाले ट्राइंगल में इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो उसकी दो साइड, तो इसका आंसर होगा ट्रू, मतलब एक कोई ट्राइंगल राइट एंगल भी हो सकता है, साथ ही साथ वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, उसकी साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी हो सकती हैं। सो इसमें अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आप देखिए क्या होता है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है। सो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है सो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सो अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल मतलब ये कितना भी आगे अगर बढ़ जाएं तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा बीच में वो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, इधर भी आगे यहाँ से आगे बढ़े तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, इनका डिस्टेंस एकदम सेम होगा कहीं भी आगे जाते हैं। तो ये पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स की और इक्वल होती हैं, तो इसका आंसर हुआ ट्रू। अब पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सो मतलब ये कह रहे हैं कि आपका कोई सर्कल है तो उस पर कोई पॉइंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर अगर हम उसके जो ये जैसे पॉइंट है सर्कल के सेंटर का, ये पॉइंट है ठीक है, तो हम सर्कल का जो ये है यहाँ से अगर हम कोई भी लाइन खींचें तो वो क्या डायमीटर हो जाएगी? नहीं। डायमीटर क्या होती है? सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट तक कोई लाइन जाए वो भी रेडियस, ये आपके सर्कल के सेंटर को काटते हुए उसे हम कहते हैं डायमीटर। ये हो गया आपका डायमीटर। पर अगर सिर्फ यहाँ से किस सर्कल के यहाँ से पेरीमीटर से सिर्फ यहाँ तक सेंटर तक आए, ये डायमीटर नहीं होता, इसे कहते हैं हम रेडियस। तो इसका क्या हो गया आपका 8th हो गया फॉल्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये पूछ रहे हैं ये सही है नहीं, तो ये होगा ट्रू। मतलब आपने कोई चीज़ जितने में जितने की आपने बेची है तो उसमें से आप वो माइनस करेंगे जितने की आपने खरीदी है, तो आपका कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 50% इज इक्वल टू 1/2। सो अगर 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का हाफ। एंड 50 क्या होता है? 50% मतलब वो भी किसी चीज़ का हाफ। तो ये दोनों इक्वल हुए, हाँ ये दोनों इक्वल हुए, इसका आंसर ये भी आ जाएगा ट्रू। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, यूजिंग अ स्केल एंड अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो अब आपको क्या करना है? आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड्स क्या होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो आपको एक स्केल और प्रोटेक्टर यूज़ करना है। सो वो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। सो मैं भी यूज़ नहीं कर सकती स्केल एंड प्रोटेक्टर, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। सो आपको 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको अपना डी जो है प्रोटेक्टर वो यहाँ पे रखना है और उसमें 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया होगा उससे आप लंबी सी स्केल से रखकर लाइन खींचेंगे जो कि इस पॉइंट को काटते हुए जाए, ठीक है। आप एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद आप अपनी यहाँ पे स्केल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आना चाहिए 0 और उससे यहाँ पे आप 3 तक, जैसे अगर आपको 3 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप इस पॉइंट पर भी अपना डी रखेंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होगा तो 90 डिग्री से यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मिनट, जैसे कि आपका यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ से भी आप एक स्केल रखकर इस पॉइंट को काटते हुए एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल फिर से इधर स्केल रखेंगे, यहाँ पे आना चाहिए इस पॉइंट पे आपका 0 सेंटीमीटर आना चाहिए और वहाँ से 3 सेंटीमीटर तक लाइन खींच देंगे। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए, कौन सी? ये वाली, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, जो आपने 3 सेंटीमीटर के वो लगाया ना, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड मार्क अ डायमीटर एंड अ रेडियस एंड अ कॉर्ड ऑन इट। सो आपको एक सर्कल बनाना है। सो आप सर्कल किसकी हेल्प से बनाएंगे? अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी कंपास लेंगे आप अपना, और उससे आपका जो मेटल पॉइंट होगा, देखिए जैसे ये आपकी स्केल है, ओके, समझिए आपकी स्केल है, तो यहाँ पे आपका 0 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप अपने मेटल वाला पॉइंट जो है आपके कंपास का वो आप यहाँ पे रखेंगे,
और पेंसिल वाले पॉइंट को आप लेके जाएंगे कितना, 3.5 सेंटीमीटर तक। जैसे यहाँ पे आपका स्केल का अगर 3.5 सेंटीमीटर हो गया तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से आते यहाँ तक लेकर आपने कंपास को इतना ही खोलेंगे। उसके बाद ध्यान से आप पेपर पे अपना वो रखेंगे मेटल पॉइंट यहाँ पे और पेंसिल वाले पॉइंट को लेकर यहाँ पर आप एक सर्कल बना लेंगे। तो वो सर्कल जो होगा उसका रेडियस आपका कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का आपका वो सर्कल बन जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको इसमें एक डायमीटर और एक रेडियस और कॉर्ड भी आपको इसमें ड्रॉ करनी है। सो आपने रेडियस ड्रॉ कर ही दिया है 3.5 सेंटीमीटर का। अब कह रहे हैं कि डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का एक और। सो मतलब यहाँ से हम एक डायमीटर भी ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमारे सेंटर को इसको काटते हुए जा रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है। सो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर की है तो आपका डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा, सो आप कर देंगे 3.5 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि आपको इसमें कॉर्ड भी लगानी है। सो मैंने आपको बता दिया था कॉर्ड क्या होती है, एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट तक से ये आपकी हो गई कॉर्ड। और आपने और आपको इन सबको लेबल कर देना है। जैसे इस पे आप लिख देंगे रेडियस, यहाँ पे आप लिख देंगे डायमीटर और इधर आप लिख देंगे कॉर्ड। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी सिमेट्री द फॉलोइंग फिगर हैज। सो यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है ऐसे स्क्वायर शेप का और उस पर लाइन्स बनी हुई हैं। एक मिनट, ओके। सो इसमें 1, 2, 3 एंड 4। सो ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो आप देखिए सारी लाइंस जो हैं ये इसको एकदम हाफ में वो हाफ कर दे रही हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी अगर फिगर पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है तो वो एकदम हाफ कर दे उसे। तो देखिए ये फोर लाइंस, चारों लाइंस इसे हाफ कर दे रही हैं, तो मतलब इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। किसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अ शॉपकीपर बॉट अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स फॉर रुपीज 250.50। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 375.50। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। सो आपको यहाँ पे इसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। सो एक शॉपकीपर था, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ, एक शॉपकीपर था जो कि फ्लावर्स लाया रुपीज 250.50 के। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 250.50 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ आपका रुपीज़ 375.50। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करिए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें पूछा था प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो आपको तो ये दिख ही रहा है 250.50 खरीदा और 375.50 का बेचा, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ही हुआ है। तो अब इसमें हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, सो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट, 15 का ए पार्ट है 50% ऑफ 36। सो 36 का आपको 50% निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, पहले लिखेंगे 50, सो परसेंट है उसको आप नीचे 100 में लिख देंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे 36। उसके बाद अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए। सो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
टू वन ज़ा टू और उसके बाद टू एट ज़ा सिक्सटीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, 18। सो 50% ऑफ 36 कितना हुआ, 18। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ एन ईयर। सो एक ईयर का 25% क्या होता है, 25% ऑफ एन ईयर। सो वो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 25/100 और इनटू वन ईयर है तो वन, तो आप वन को तो आप इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम यही आएगा। तो आप इसे डेसिमल में लिख लीजिए। सो यहाँ पे टू ज़ीरोज हैं तो डेसिमल को उतनी बार जंप करवाइए, डेसिमल इधर आएगा तो आंसर आएगा आपका 0.25। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 25% ऑफ एन ईयर कितना होता है, 0.25। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 50% ऑफ राइस कॉस्ट ₹600, हाउ मच विल 80% ऑफ राइस कॉस्ट। सो अगर 50% राइस जो है वो ₹600 की मिलती है तो 80 kg कितने की मिलेगी। सबसे पहले आप 600 को 50 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे कि 1 kg कितने की मिलती है, कितने रुपीज़ की मिलती है राइस। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए सबसे पहले। तो 600 को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 ones are 5 एंड 5 12s are 60। तो आपके तो मतलब 1 kg राइस 12 rupees की मिलती है, ठीक है। 1 kg राइस कितने की मिलती है, 12 rupees की। सो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि 80 kg राइस कितने की मिलेगी। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12 into 80। सो 12 into 80 क्या होगा, 12 8s क्या होता है जाएगा 960। सो आपका 960 rupees आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इतना हमें कॉस्ट होगा अगर हम 80 kg राइस खरीदेंगे। सो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। सो अब मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जो डाली है मैंने टेम्परेचर की डाली है, सो उसमें से आप जाके देख सकते हैं अगर आपको समझना हो कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 25 degrees Celsius। तो आपको इसे फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। सो 9/5 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ones are 5 एंड 5 5s are 25। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 9 into 5 कर दो, 9 5s are 45। अब आप इसमें प्लस करेंगे 32। सो 45 plus 32 क्या होगा, 7। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 77 degrees Fahrenheit। तो इसके बाद आपका बी पार्ट है 75 degrees Celsius। सो हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, 17 का बी पार्ट 75 degrees Celsius। सो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम उसी मेथड से करेंगे हम, 75 into 9/5। इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 ones are 5 और 5 ones are 5 और फिर 5 से 25। तो यहाँ पे आ गया 15। सो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 135। उसके बाद जब आप 135 में 32 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 167। तो ये आ जाएगा 167 degrees Fahrenheit। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, द एरिया ऑफ अ स्विमिंग पूल इज 225.28 square meters, इट्स लेंथ इट 8.8 meters, फाइंड द ब्रेथ। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है सॉरी, ठीक है, जिसका जो एरिया है आपका वो आपको दिया हुआ है 225.28 square meter।
और इसकी लेंथ जो है वो आपको दी हुई है 8.8 मीटर। इसकी ब्रेथ पूछी जा रही है, ब्रेथ इसकी क्या है। सो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो जब आप लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, सो जब आपको लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो आप ब्रेथ भी इजीली निकाल लेंगे। सो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ आपको कितनी दी हुई थी 8.8 है ना, ब्रेथ आपको पता नहीं, यहाँ पे बी लिख दीजिए, एरिया आपको दिया हुआ है 225.28। सो अब आप क्या करेंगे, 225.28 के पास क्या भेज देंगे 8.8। अब यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। सो ये है 225.28, इसमें आप डिवाइड करेंगे 8.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 25.6 मीटर। सो आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा 25.6 मीटर, मतलब आपने क्या किया 225.28 जो आपको एरिया दिया हुआ था उसमें आपने डिवाइड कर दिया 8.8, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 25.6 मीटर। ये आ गई आपकी ब्रेथ, तो इसमें आपको ब्रेथ ही तो पूछी थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शाह ब्रॉट अ साइकिल फॉर ₹950 एंड स्पेंड ₹50 ऑन इट्स रिपेयर, आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 ईयर्स ही सोल्ड इट फॉर ₹800, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखिए ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सो इसमें आपका देखिए कॉज, एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर शाह, उसने एक साइकिल खरीदी जिसका कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी था ₹950। उसके बाद उसने उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई, उसे सही करवाया, उसने उस रिपेयरिंग वगैरह करवाने में उसके ₹50 खर्च हुए, मतलब उसे ₹50 और उसमें मिलाने पड़े सीपी में, उसने खर्च करे तो 950 + 50 कितना हो गया 100, तो टोटल सीपी उसे कितना पैसे खर्च करने पड़े 1000 उसे खर्च करने पड़े। उसके बाद ये कह रहे हैं, उसके बाद इस 2 साल बाद उसने वो साइकिल बेच दी कितने में, ₹800 में, तो मतलब SP कितना हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना था 800। सो अब आप देखिए इसमें ऑफकोर्स प्रॉफिट हो रहा है, 1000 की उसने खरीदी फिर 800 की उसने बेच दी, तो ऑफकोर्स इसमें इसे लॉस हो रहा है कितने का, ₹200 का इसे इसमें लॉस हो रहा है, तो इसे लॉस कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे लिखिए, इसे ₹200 का लॉस हो रहा है। तो अब आपने अपने चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पढ़ा होगा कि हम लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते, तो हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉस की परसेंटेज निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं इधर आपको करके बताती हूँ, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर लिखना होता है आपका जो लॉस हुआ है, नीचे लिखना होता है आपको अपना सीपी, मतलब आपको जितने में वो चीज़ मिली है, और आपको उसे इंटू कर देना होता है 100 में। सो हम इसी मेथड से ये सॉल्व करेंगे। सो हमें लॉस कितना हुआ है, ₹200 का हमें लॉस हुआ है, और हमने कितने में ख़रीदी थी, ₹1000 में हमने ख़रीदी थी, और यहाँ पे इनटू 100 कर देंगे। अब इसे कट करना शुरू करिए, सो इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा है उस, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 20। सो मतलब उसे 20% लॉस हुआ है। तो ये बहुत ईजी था, ये आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 30% वर एबसेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ये, इसमें आपके टोटल क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो मतलब 50 में से 30%, मतलब 30% ऑफ 50 स्टूडेंट्स एबसेंट थे। तो अब हमें क्या निकालना है, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले जो एबसेंटीज़ हैं इसमें उसको हम
सिंपल नंबर में चेंज कर लेते हैं, हम कैसे करेंगे, 30% हम 100 लिख देंगे, ऑफ मतलब इनटू, और यहाँ पे 50। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट कर देंगे, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा ना, 5 3 15, 15 स्टूडेंट्स जो थे वो एबसेंट थे, तो आपके निकल आए, तो प्रेजेंट कितने होंगे, 50 माइनस 15, तो 50 माइनस 15 कितना होगा आपका, 50 माइनस 15 आ जाएगा आपका 35, तो 35 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सो आपके 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग रूलर एंड प्रोटेक्टर ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। सो आपको रूलर और प्रोटेक्टर यूज़ करके ये सारे एंगल्स बनाना है। सो आपको डी की, डी जो होता है आपके पास, तो उसकी मदद से आपको एंगल्स बनाए हैं जो कि बहुत ईजी हैं। आप ना डी रखिए, उसमें सबसे पहले आपको 30 डिग्री, मतलब एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, वो कितनी भी मेजर की हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, आपको कितनी भी मेजर की लाइन ड्रॉ करिए, और उसके बाद यहाँ पर अपना आप अपना डी रखेंगे, उसमें जैसे कि सबसे पहले दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जहाँ पे भी होगा वहाँ पे पॉइंट लगाइए, उसके बाद अपना ये डी हटाइए, स्केल रखिए, और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींचिए, यहाँ पे एंगल का वो लगाइए निशान, और लिख दीजिए जितने डिग्री का एंगल है वो लिख दीजिए। तो ये आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, यहाँ पे खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इफ एरिया ऑफ इट्स बेस इज 99 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, एक मिनट, ये जैसे आपका क्यूबॉइड है, ऐसे होता है ना क्यूबॉइड, 3D, मुझसे ज़्यादा सही तो नहीं बन रहा है पर बस आप समझ जाइए। सो ये कह रहे हैं कि इसका बेस जो है, इसका एरिया कितना है, 99 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो है 9 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट जो है इसकी, ये क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इस क्यूबॉइड जो है इसका आपको वॉल्यूम बताना है, तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका जो नीचे बेस का एरिया दिया हुआ है, तो देखिए एरिया जो होता है, ये आपका 2D शेप है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे रेक्टेंगल होता है ना, तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और आपके वॉल्यूम जो आप निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो आपको यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ तो दी हुई है और हाइट भी आपको गिवन है, तो आप सिंपली इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 99 आपको गिवन है इसका एरिया, यहाँ पे लिखेंगे आप 99 लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह, और यहाँ पे इनटू कर देंगे हाइट, हाइट 9 सेंटीमीटर, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, सो क्या आएगा आपका आंसर, 891 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और देखिए ये हमने कैसे किया, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, यहाँ पे हमें बेस का एरिया दिया हुआ था, देखिए ये जो बेस है हमें इसका एरिया दिया हुआ था, तो और हमें क्या दी हुई थी, यहाँ पे गिवन हाइट दी हुई थी इसकी क्यूबॉइड की। सो हमें पता है कि एरिया जो होता है एक 2D शेप, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो वो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेंथ इनटू ब्रेथ का आपको यहाँ पे दिया हुआ है 99 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो यहाँ पे आप 99 लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह, और इनटू आप कर देंगे 9 से, सो यहाँ पे 99 इंटू 9 आपने करा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 891 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट का जो कि 5th क्लास में है उसके असेसमेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने हैं, 100। सो 100 इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं। सो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है, ये है मार्क्स जो इसको मिले हैं इस वाली रो में, इससे मार्क्स बताए जा रहे हैं जो इसे मिले हैं। इस वाली रो में सब्जेक्ट्स हैं,
जिस जिस सब्जेक्ट के मार्क्स इसे मिले हैं। सो अब इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो सारे सब्जेक्ट में जो जो मार्क्स मिले हैं आपको वो लिखना है। सो सबसे पहला सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस रो में वो है इंग्लिश। सो इंग्लिश में इसे कितने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में इसे मिले हैं 60 मार्क्स, तो आप लिख देंगे 60। अगला है हिंदी। सो हिंदी में इसे कितने मार्क्स मिले हैं, हिंदी में इसे मिले हैं 80 मार्क्स, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हिंदी इज इक्वल टू 80। उसके बाद है आपका साइंस। सो साइंस में इसे कितने मार्क्स मिले हैं, 70। उसके बाद है मैथ्स। सो मैथ्स में इसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं जो कि हैं 90। उसके बाद है जीके। सो जीके में उसे कितने मार्क्स मिले हैं, जीके में मिले हैं 40 मार्क्स जो कि सबसे कम है। सो अब आपका ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बी पार्ट में दिया हुआ है, इन विच सब्जेक्ट ही हैज़ गॉट मैक्सिमम मार्क्स। सो किस सब्जेक्ट में उसे मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मैथ्स में थे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मैथ्स। उसके बाद है आपका विच सब्जेक्ट ही नीड्स इम्प्रूव। तो किस सब्जेक्ट में उसे इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट में उसे अच्छा करना चाहिए, वो कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसमें उसे सबसे कम मार्क्स मिले हैं। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है जीके। जीके में उसे 40 मार्क्स ही मिले हैं। उसके बाद डी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मिनिमम मार्क्स। सो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं और उसको जो मिनिमम मार्क्स मिले हैं उसमें डिफरेंस जो है तो वो क्या है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स में से मिनिमम मार्क्स माइनस कर देना है। तो मैक्सिमम भी पता है, मिनिमम भी पता है। मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में कितने हैं, 90। मिनिमम मार्क्स कितने हैं जीके में, जो है आपके 40। सो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो आप यहाँ पे 50 लिख देंगे। ये बहुत ईजी है, आपको सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बस आपको देख कर और फिर लिख देना है। तो यहीं पर हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।